है ना, ये जो लास्ट हमने क्लास पढ़ी थी ना फायर बेस वाली, उसी फोल्डर की एक कॉपी बना रहा हूँ। सही है, उसी फोल्डर की एक कॉपी बना रहा हूँ मैं, और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मिक। सही है, फॉर्मिक जो है वो असल में हुक है, तो फॉर्मिक के साथ मैं हुक लगा देता हूँ। अच्छा, फॉर्मिक इस क्लास में वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी अगर वो कोई देखना चाहे तो देख सकता है। तो अभी मैं थोड़ा ब्रीफली इसको लेके चलूँगा। ओके, ये क्या हुआ? अच्छा, वो कॉपी नहीं हुआ, मैंने नाम असल में फ़ौरन चेंज कर दिया ना, तो वो कॉपी नहीं हो पाया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कॉपी हो रहा है जब तक। अच्छा, मैंने कहा कि भाई 12 फॉर्मिक हुक, राइट? सही है, तो ये हमारी रिवीजन क्लास है काइंड ऑफ। ओके, बल्कि मैं एक काम करता हूँ ना, इसके लिए नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। सब लोगों की तवज्जो है ना इधर, इसके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है, देखो, उसका रीज़न ये है कि ये जो हमने किया हुआ है ना सारा काम ऐप डॉट जी एस के अंदर, ये चलो यार इसी में करते हैं फिलहाल। जो रिएक्ट राउटर पढ़ेंगे ना, उसके लिए हम नया प्रोजेक्ट बना लेंगे, क्योंकि असल में होता ये है कि ये ऐप डॉट जी एस में हम सारे काम आमतौर पर नहीं कर रहे होते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये जब हम राउटर पढ़ेंगे ना, तो उस वक्त वो हम पढ़ लेंगे फिर कि हम कैसे अलग अलग कंपोनेंट बना के अलग अलग फोल्डर में इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये काफ़ी लंबा कोड हो गया है एक ही फाइल के अंदर। ठीक है, तकरीबन ये 200-250 लाइन का कोड है। अच्छा, वैसे 200-250 लाइन का कोड तो नॉर्मल है, तो इतना ज़्यादा नहीं है ये। मतलब आपकी अगर एक फाइल अगर 1000-1200 लाइन तक हो तो नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन असल में इसमें एक्चुअल कॉन्टेंट जो है ना हमारा वो होता है बड़ा। ठीक है, ये एक्चुअल कंटेंट के अलावा की जो चीज़ें हैं ना, जैसे ये इनिशियलाइजेशन वगैरह जो है, जैसे फायरबेस को हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, ये हम यहाँ पे नहीं करते। अब ये कहाँ करते हैं वो फिर हम देखेंगे, वो हम एक रूट के एक फाइल में कर लेते हैं कि जब प्रोजेक्ट चले तो शुरू में ही वो रन हो जाए, आगे फिर हमें ये चीज़ें देखनी नहीं पड़ती। ये जस्ट हम इम्पोर्ट करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। वेल, अच्छा, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कल वाले प्रोजेक्ट की एक कॉपी बना ली जिसमें हमने फायर बेस पूरा चलाया हुआ है। अच्छा, इसको ज़रा मैं प्रोजेक्ट को रन भी कर लेता हूँ। मैंने कहा cd back और cd 12 फॉर्मिक हुक, मैंने कहा npm start। अच्छा जी, तो ये मेरे पास आ चुका है जो मैंने लास्ट बनाया था, मैं पोस्ट करता हूँ तो ये पोस्ट हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम असल में ये है कि मैंने जो फॉर्म बनाया हुआ है ना यहाँ पर ऐप के, मैं आ जाता हूँ अंदर, कहाँ है मेरा फॉर्म? एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन। ये जो मेरा फॉर्म है ना, वैसे तो ये सही है, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन इसको बनाने का रिएक्ट के अंदर एक बेहतर तरीका है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यार आप ऐसे करके भी फॉर्म को बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस फॉर्म में वैलिडेशन लगाना इस वक्त थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर ऐसे में वैलिडेशन लगाना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर मैं टैक्स एरिया के अंदर क्या दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड बता दूंगा कि यार ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, या मैं मिनिमम मैक्सिमम बता दूंगा इसमें। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि एक इनपुट बॉक्स है मेरे पास, एक इनपुट बॉक्स है, अब मैं चाहता हूँ कि ये ईमेल हो, तो मैं यहाँ पे ईमेल की ज़्यादा से ज़्यादा लगा दूंगा कि भाई ये ईमेल ऐसे हो। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम लगा दूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें मैं नहीं लगा सकता। मिसाल के तौर पे वो क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पे वो ये चीज़ है कि पता नहीं क्या चीज़ है, अभी लगाएंगे तो पता चल जाएगा। सही है, उसके लिए हम ना एक चीज़ यूज़ करते हैं, यप। सही है, ये मैंने गूगल पे जाके यप लिखा तो ये npm का सबसे पहला पैकेज आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो वैलिडेशन में ना बहुत सारे ऑप्शन हैं मेरे पास, और निस्बतन आसान है ये लिखने में ना। जैसे इसने देखो क्या बताया कि भाई अगर नेम इनपुट ले रहा हूँ ना मैं, तो नेम स्ट्रिंग होना चाहिए और नेम रिक्वायर्ड। एज अगर मैं ले रहा हूँ तो एज नंबर होनी चाहिए, रिक्वायर्ड भी है, और पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। अब ये वाली चीज़ ना मैं HTML5 के फॉर्म में नहीं लगा सकता कि भाई पॉजिटिव भी और इंटीजर भी हो। चलो पॉजिटिव तो मैं इस तरह लगा दूंगा कि मिनिमम कर दूंगा 0, लेकिन इंटीजर कैसे लगाऊंगा मैं?
अगर किसी ने दे दिया 18.5 तो वो तो वैलिड नंबर है, तो ये इंटीजर में वो 5 को नहीं लेगा, मैं पॉइंट के बाद वाले 5 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा भाई मुझे इंटीजर चाहिए बगैर पॉइंट वाला, ठीक है। इसी तरह वेबसाइट अगर मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे URL मैं चेक करवा सकता हूँ, ये भी होता है वैसे HTML5 में, लेकिन अब जैसे ये क्रिएटेड ऑन वाला डेट है कि डेट हो और डिफ़ॉल्ट कुछ मैं बता रहा हूँ कि न्यू डेट हो जाए अभी वाली, अगर बंदे ने नहीं लिखी है तो वो न्यू डेट खुद से ले ले अभी सिस्टम वाली। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो इसमें हो जाती हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको यप को बंद कर देता हूँ फिलहाल और मैं फॉर्मिक के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। formic.org इसकी वेबसाइट है, गेटिंग स्टार्टेड का मैंने बटन दबाया तो यहाँ पे ये गेटिंग स्टार्टेड का पूरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। हम जो एग्जाम्पल देखने लगे हैं वो ये मटेरियल UI के साथ इन्होंने एक एग्जाम्पल बना के दिखाई है, वो हम देखने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला कोड मेरे पास क्योंकि पहले से ही लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से करने के बजाय मैं अपने वाले फोल्डर से पुराने वाले से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसको लेकिन हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये हो क्या रहा है। देखो, यहाँ पे इसने यूज़ फॉर्मिक को क्या कर लिया, रिक्वायर कर लिया। ऑफकोर्स इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही रिक्वायर होगा। उसके बाद यप जो है वैलिडेशन स्कीमा, ये एक अलग लाइब्रेरी है, फॉर्मिक अलग लाइब्रेरी है, यप अलग लाइब्रेरी है, तो ये दोनों चीज़ें इसने रिक्वायर कर ली। उसके बाद इसने क्या बनाया, उसके बाद वैलिडेशन स्कीमा इसने शुरू में बना लिया कि भाई मेरे पास जो वैलिडेशन होगी फॉर्म की उसमें दो चीज़ें होंगी, एक ईमेल होगा एक पासवर्ड होगा। अब ये ईमेल की सारी रिस्ट्रिक्शन, सारा क्राइटेरिया बता दिया और पासवर्ड का भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, और अगर ये फुलफिल नहीं होता है ये वैलिडेशन का रूल, तो उसमें एरर का मैसेज क्या आएगा वो भी साथ में मेंशन कर दिया, ठीक है। ईमेल अगर कोई गलत दे दी तो एंटर अ वैलिड ईमेल, रिक्वायर्ड अगर है तो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, अगर ईमेल किसी ने बगैर लिखे एंटर कर दिया। या अगर पासवर्ड किसी ने मिनिमम 8 कैरेक्टर यहाँ पर रूल लगा हुआ है, तो उससे कम अगर किसी ने लिखा तो वो बोलेगा पासवर्ड शुड बी मिनिमम 8 कैरेक्टर, ठीक है। मैक्सिमम भी लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये वैलिडेशन स्कीमा इसने शुरू में यहाँ पे तैयार कर लिया। वैलिडेशन स्कीमा तैयार करने के बाद इसने क्या किया, इसने यहाँ पे हुक तैयार किया इसका, ठीक है। अच्छा, ये हुक हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, कौन सा, यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट, ये दो हुक हम इस्तेमाल कर चुके हैं। हुक हम किस चीज़ को कहते हैं, जिससे कंपोनेंट जो है वो हुकअप हुआ हुआ होता है, उसके चेंज होने पे कंपोनेंट में इफेक्ट आता है, कंपोनेंट चेंज होता है, या कंपोनेंट के चेंज होने पे वो चेंज होता है, ठीक है। दोनों में से एटलीस्ट एक क्वालिटी होगी तो फिर हम उसको हुक कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ये कोई बुक वाली डेफिनेशन नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ अलग से ना, हो सकता है बुक में ये चीज़ आपको कहीं ना मिले तो, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि हुक जो है वो असल में इसी, वरना नॉर्मल वेरिएबल में और स्टेट वेरिएबल में क्या फ़र्क है, यही फ़र्क है कि स्टेट वेरिएबल जब चेंज होता है तो कंपोनेंट भी साथ साथ रीरेंडर होता है, नॉर्मल वेरिएबल से उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये इसने हुक तैयार कर लिया है, ठीक है। अब ये हुक जो तैयार किया है इसमें देखो क्या क्या चीज़ें दी हैं, इनिशियल वैल्यू कि जब फॉर्म खुलेगा तो ईमेल, क्योंकि फॉर्म में मेरे दो ही फील्ड है इस वक्त, ईमेल है और पासवर्ड है, तो जब फॉर्म खुलेगा तो ईमेल पहले से ये लिखी भी आ रही होगी उसमें, ठीक है। पासवर्ड जब लिखा पहले से ये लिखा आ रहा होगा, ज़रूरी नहीं है कि आप लगाएं, आप इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रख दें तो शुरू में जब खुलेगा तो एम्प्टी होगा वो। अच्छा, उसके बाद वैलिडेशन स्कीमा के नाम पे वो ऑब्जेक्ट इसको यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है, इसने जो यहाँ बनाया था, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दिया कि भाई इस फॉर्म का इनिशियल वैल्यू ये हो गई, वैलिडेशन स्कीमा ये हो गया। ऑन सबमिट के ऊपर जो फंक्शन चलता था वो अब ये चलेगा, फंक्शन ऐसे देंगे हम अगर हम फॉर्मिक के जरिए। पहले हम क्या करते थे, ऑन सबमिट लिखते थे, उस पर फंक्शन देते थे, अंदर जाके उसमें इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट लगाते थे। अब इसमें वो सब लगाने की जरूरत हमें नहीं है। ऑन सबमिट में मुझे डायरेक्ट वैल्यूज मिलेंगी, डायरेक्ट मुझे क्या मिलेगी, वैल्यूज, और वो जेसन होगी, मैं उसको प्रिंट करवाऊँ, कहीं सर्वर पे भेजूँ, जहाँ भेजूँ मेरी मर्जी है। तो ये एक थोड़ा सा आसान तरीका है इस काम को करने का। अच्छा, अब नीचे जब फॉर्म बनेगा ना तो फॉर्म में भी कुछ चेंजेस हैं आपके। ऑन सबमिट के ऊपर अब मैं क्या लगाऊंगा, फॉर्मिक डॉट सबमिट हैंडलर, फॉर्मिक के हवाले कर रहा हूँ मैं कि सबमिट हो तो फॉर्मिक देख लेगा कि क्या करना है, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं वैल्यू करके क्या दूंगा, फॉर्मिक डॉट वैल्यूज डॉट ईमेल, ये दूंगा मैं इसको। मैं बोलूंगा फॉर्मिक बताएगा कि इसमें क्या वैल्यू होगी, हम नहीं बता रहे। ऑन चेंज पे हम अपना फंक्शन लगाते थे, हम कहेंगे फॉर्मिक डॉट चेंज हैंडलर, फॉर्मिक संभालेगा कि चेंज जब होगा तो क्या करना है, ठीक है। अच्छा, फिर एरर और हेल्प टेक्स्ट जो है ना, ये एक खास फ्रेमवर्क है, ये मटेरियल UI, उसमें ये एरर और हेल्प टेक्स्ट होता है, ये मतलब उसमें ये होता है कि नीचे ही लिखा हुआ जाता है। मटेरियल UI अगर किसी ने यूज़ किया है तो ये क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई गलत चीज़ लिख दूँ,
ठीक है, तो ये नीचे ही ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, ये एक यूआई का फ्रेमवर्क है मटेरियल यूआई, तो उसमें ये फीचर होता है। अभी हमारे पास, हम क्योंकि मटेरियल यूआई यूज़ नहीं कर रहे, तो हम इस एरर के लिए क्या करेंगे, हम अलग से एक डिव बनाएंगे या पैराग्राफ छोटा सा बना देंगे, वो शुरू में हिडन होगा, जब एरर आएगा तो उसमें वो डिस्प्ले हो जाएगा एरर का मैसेज। ठीक है, तो आगे ज़रा इसको अब हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने ये हुक तैयार कर लेना है। ठीक है, मैं आया और मैंने अपने कंपोनेंट के अंदर सबसे पहला काम क्या किया, ये गेट डेटा था मेरे पास और रियल टाइम गेट डेटा था, ये दोनों था और ये दोनों यूज़ इफेक्ट के अंदर है। तो यूज़ इफेक्ट है मेरे पास एक अदर, और यहाँ पे मैंने ये हुक तैयार कर लिया, फॉर्मिंग इक्वल टू यूज़ फॉर्मिंग। अच्छा, अब जब मैं ये हुक तैयार कर लेता हूँ और मेरे पास ईमेल पासवर्ड, मेरे पास तो ईमेल पासवर्ड नहीं एक्चुअली, मेरे पास क्या है, पोस्ट है, पोस्ट टेक्स्ट एक्चुअली, ये है मेरे पास, बल्कि अब मैं इसका नाम सिर्फ टेक्स्ट कर दूँ तो भी सही है। और इसके अगेंस्ट मैं क्या करूँगा, मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दूंगा क्योंकि मुझे शुरू में लिखा हुआ कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा मैं क्या दे सकता हूँ, इसको टाइटल भी एक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब की बार मैं पोस्ट में क्या ऐड कर रहा हूँ, टेक्स्ट और टाइटल दो चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, पहले तो एक ही था, एक हमारे पास टेक्स्ट था और एक क्रिएटेड ऑन, क्रिएटेड ऑन तो सर्वर खुद बनाता है, डेटाबेस में खुद ही आता है वो क्रिएटेड ऑन वाला, तो मेरे पास टेक्स्ट और टाइटल है, दो चीज़ें अभी। अच्छा, और आगे जाते हैं, टेक्स्ट और टाइटल हो गया, वैलिडेशन स्कीमा जो है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ वहीं से ज़रा उठा के ले आता हूँ, वैलिडेशन स्कीमा मैं अलग से नहीं बना रहा, बस मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, मैं इधर ही बना रहा हूँ वैलिडेशन स्कीमा, सही है, ताकि वो एक जगह पे रहे। अच्छा, मेरे पास क्या है भाई, एक है टेक्स्ट और सॉरी पहले टाइटल लिखता हूँ ना, टाइटल ऊपर कर देता हूँ, सही है, टाइटल क्योंकि पहले होगा ये बाद में होगा, मैंने कहा टाइटल जो है वो स्ट्रिंग होगा, सही है, एंटर स्ट्रिंग, एंटर टाइटल भाई, और डॉट ईमेल नहीं होगा, ये ईमेल नहीं होगा बिल्कुल भी अभी, ठीक है, रिक्वायर्ड ज़रूर होगा, मैं इसको बोलूँगा कि टाइटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, और मुझे टाइटल में कुछ लगाना चाहिए क्या, डॉट मैक्स लगाना चाहिए मुझे, देख लेते हैं मैक्सिमम के लिए क्या लगाते हैं ये लोग, मेन और मैक्स है ना मेरे पास, तो मैं इसको कह देता हूँ मैक्स, और मैंने देखो जैसे ही मैक्स लिखा ना बता दिया उसने, मैंने कहा भाई मैक्सिमम जो है वो 20 कैरेक्टर्स का होगा, ये टाइटल उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है, प्लीज एंटर ट्वेंटी कैरेक्टर्स मैक्स, सही है, लिमिट एक्सीड 20 कैरेक्टर्स मैक्स, ऐसे करके मैंने एरर का मैसेज, ये एरर का मैसेज कुछ और बेहतर जुमला हो सकता था, लेकिन अभी मुझे कुछ बेहतर जुमला सूझ रहा नहीं है, तो मैंने जो सूझा है वो लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद मैंने लिख दिया टेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट भी स्ट्रिंग होगा, ठीक है, प्लीज एंटर योर पोस्ट टेक्स्ट, ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम होगा वो शायद ये 300 कैरेक्टर्स होगा, लिमिट एक्सीड 300 कैरेक्टर्स। अच्छा, मेरे टाइटल में शायद मिनिमम लेंथ भी होनी चाहिए, राइट, मिनिमम लेंथ मैंने कहा भाई ये आपके पास ना 5 कैरेक्टर मिनिमम लेंथ होगा टाइटल में, 5 से कम नहीं दे सकते आप, प्लीज एंटर एटलीस्ट 5 कैरेक्टर इन टाइटल, ठीक है, इन पोस्ट टाइटल, ऐसे करके मैंने लिख दिया, कैरेक्टर्स में क्या लिखा है मैंने, कैरेक्टर्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई, ठीक है, अच्छा ये कॉमा मैंने गलती से यहाँ लगा दिया, ठीक है, कॉमा ना ये लास्ट वाले रूल के बाद कॉमा है, तो मैंने कहा टाइटल जो है वो स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड है मैक्सिमम 20 है, मिनिमम 5 है, ठीक है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 20 एक ही बात है, ठीक है, मिन पहले लिख दो या मैक्स पहले लिख दो एक ही बात है, फर्क नहीं है। अच्छा, टेक्स्ट में भी मैं कह देता हूँ कि यार पोस्ट टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड,
मैंने कहा स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड है, और जो मैक्सिमम 300 है और मिनिमम क्या है, मिनिमम पे कुछ ना कुछ लगा देते हैं। मैंने कहा मिनिमम जो है ना वो आपके 10 कैरेक्टर्स हैं, प्लीज एंटर एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स। ठीक हो गया, अभी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है स्टिल। अच्छा एरर वो इसलिए आ रहा है, मैंने ना यप इंस्टॉल किया है, ना मैंने फॉर्मिक इंस्टॉल किया राइट, और ना मैंने ऊपर रिक्वायर किए, तो वो मैं उसको ज़रा इंस्टॉल भी कर लेता हूँ लगे हाथों। इंस्टॉल करने के लिए कमांड किया है मेरे पास, npm install formic और यप। मैंने कहा npm i formic, अच्छा स्पेस डाल के मैंने yu यप लिख दिया। जब मुझे दो लाइब्रेरी एक साथ इंस्टॉल करनी होती तो मैं स्पेस डाल के दो नाम लिख सकता हूँ, वो दोनों को इंस्टॉल कर देता है। तो ये दो अलग अलग लाइब्रेरी है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं npm install formic और npm install yup, और एक साथ लिखना हो तो स्पेस दे के आप 3, 4, 5 जितने नाम लिखने हो आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो दोनों ये इंस्टॉल हो गए। मैं वापस से npm start का बटन दबा देता हूँ ताकि ये स्टार्ट हो जाए, और वापस आके मैं ऊपर इन दोनों को रिक्वायर कर लेता हूँ। मैंने कहा कि इम्पोर्ट और फॉर्मिक फ्रॉम फॉर्मिक, सही है, और मैंने कहा कि इम्पोर्ट यप। अच्छा वो ऐसे ब्रैकेट लगा के नहीं है, ये बगैर ब्रैकेट वाले, असल में ब्रैकेट लगा के अंदर के कंपोनेंट्स आप निकाल रहे होते हैं उसमें से। यार इन्होंने कैसे किया हुआ, देख लेते हैं ज़रा इनका। अच्छा फॉर्मिक ब्रैकेट लगा के और ये बगैर ब्रैकेट के, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये जो हम ब्रैकेट लगा के करते हैं ना फॉर्मिक यूज़ फॉर्मिक, इसका मतलब होता है कि इस फॉर्मिक के अंदर इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें चीज़ें मौजूद हैं, सब कुछ नहीं हमने किया। ये जो नया वाला अभी जावास्क्रिप्ट है ना, उसमें ये चीज़ पॉसिबल है कि आप उसके कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं अंदर से उस लाइब्रेरी के। ठीक है, अदरवाइज जैसे ये मूवमेंट मैंने किया हुआ है, अब ये मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि ये पूरा ये साथ में मिन कहाँ से आ गया भाई, सही है, ये मूवमेंट को मैंने पूरा उठा लिया है। अब मूवमेंट के अंदर डॉट लगा के जो जो चीज़ पॉसिबल है ना वो सब इसी से मिलेगी। ठीक है, फॉर्म यूज़ फॉर्मिक में ऐसा नहीं है, यूज़ फॉर्मिक के अंदर यूज़ फॉर्मिक है और भी कुछ होगा, अभी कॉमा लगाऊंगा तो सजेशन में आ भी जाएगा, आ नहीं रहा लेकिन वैसे आ जाना चाहिए था। ये रहा यूज़ फॉर्मिक कॉन्टेक्स्ट, एक और भी है इसके अंदर, देखे ना शो कर रहा है। तो इसके मैंने कंपोनेंट्स अंदर से निकाले हैं, फॉर्मिक के अंदर और भी चीज़ें होंगी मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा तो ये मैंने दोनों रिक्वायर कर लिया, कैसे रिक्वायर किया, जैसे इन्होंने बताया था वैसे रिक्वायर कर लिया। अब मेरे पास ये हुक जो है ना मेरा, वो क्या हो चुका है, पूरी तरह से तैयार हो चुका है मेरा हुक, सही है। अच्छा ऑन सबमिट के फंक्शन पे मैंने क्या करना है, ऑन सबमिट के ऊपर मेरा ऑन सबमिट कहाँ है, सेव पोस्ट, यही था ना मेरा ऑन सबमिट। तो मेरा जो ऑन सबमिट था उसके अंदर ये मैं जो काम करता था ना, ये मैं यहाँ से कॉपी करके और अब इधर लेकर आ जाऊँगा, बल्कि चलो पहले सिर्फ उसको कॉन्सोल करवा लेते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग वैल्यूज। सही है, अभी सिर्फ कंसोल करवा लेते हैं कि जो भी मुझे वैल्यू मिल रही है उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे, अब जब वो मिल जाना शुरू हो जाएगी फिर हम उसको फायरबेस पे भी लगवा देंगे। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, अब इसका ऑन सबमिट पे मैं क्या सेव पोस्ट का अपना फंक्शन नहीं चलाऊँगा, मैं क्या चलाऊँगा फॉर्मिक डॉट सबमिट हैंडलर, ये ना हैंडल सबमिट, सही है। अच्छा ये फॉर्मिक कौन सा है, ये मेरा वो वेरिएबल है जो मैंने ये बनाया है, इस वेरिएबल का नाम मैं कुछ और भी रख सकता था, मैंने फॉर्मिक रखा है और हुक मेरा यूज़ फॉर्मिक, तो इस वेरिएबल के ऊपर डॉट लग रहा है ये, ठीक है ये याद रखिएगा, क्योंकि उस वेरिएबल का नाम अगर आपने कुछ और रखा है तो फिर वहीं पे वो भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक पेज पे आपके 2, 3, 4 फॉर्म भी हो सकते हैं, तो फिर आपको नाम ज़ाहिर अलग अलग रखना पड़ेगा, सारे फॉर्मिक के नाम से तो नहीं बनाएंगे आप। तो आपका जो वेरिएबल होगा यानी ऊपर जो आपने हुक तैयार किया है, हुक का एक इंस्टेंस बनाया है, वो आप अलग अलग नाम से भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट, तो एक तो ये इन्होंने कर दिया हैंडल सबमिट, उसके अलावा वैल्यू जहाँ पे लिखी हुई है वहाँ पे फॉर्मिक डॉट वैल्यूज डॉट ईमेल ऐसे करके,
ठीक है, तो ये मेरा टेक्स्ट एरिया है, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फॉर्मिक डॉट वैल्यूज डॉट, और मेरे पास क्या था टेक्स्ट, सही है, एक टाइटल था एक टेक्स्ट था, दो चीज़ें थी मेरे पास, देख लेते हैं एक दफ़ा ऊपर, ठीक है, इनिशियल वैल्यू, टाइटल और टेक्स्ट, ठीक है, तो टाइटल यहाँ पे आ गया। अब एक मैं ऊपर इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें टाइटल यहाँ पे रखवा देता हूँ मैं, सॉरी फिर इनपुट ही तो यूज होता है, क्या मतलब टेक्स्ट फील्ड, ये जो टेक्स्ट फील्ड लगा हुआ है ये वाले की बात कर रहे हैं, ये तो मटेरियल यूआई इस्तेमाल किया है ना, बूटस्ट्रैप यूज किया समझ लो, तो बूटस्ट्रैप में जो भी कंपोनेंट होता है वो है, लेकिन हम फिलहाल अभी प्लेन जो हमारा जो जेएसएक्स है ना या प्लेन एचटीएमएल है उसके साथ अभी यूज करते हैं, अभी हमने ये फ्रेमवर्क यूज नहीं किया मटेरियल यूआई या रिएक्ट बूटस्ट्रैप, तो इसलिए हम ये टेक्स्ट फील्ड नहीं लिख रहे, और मतलब इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि प्लेन रिएक्ट में ये सारे काम किस तरह होते हैं। अच्छा, इनपुट लिख दिया मैंने, कहा भाई टाइप इसकी जो है वो टेक्स्ट होगी और इसमें वैल्यू जो होगा वो होगा फॉर्मिक डॉट वैल्यूज डॉट टाइटल, राइट, अभी ऑन चेंज भी लगा देंगे, सब लगा देंगे, बेफिक्र हो जाओ। ये क्या हुआ भाई लास्ट में, सही है, अच्छा वैल्यू है हमारे पास और ऑन चेंज है और एरर है, ऑन चेंज है हमारे पास, मैंने कहा फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज, राइट, फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज यहाँ लगा दिया। अब उसके बाद मुझे दो चीज़ें और देता है, एक टच देता है और एक एरर्स देता है, दो मुझे चीज़ और मिलती है यहाँ पे ना, जो कि मैं अलग से यहाँ पे स्पैन में डिस्प्ले करवाऊँगा। मुझे दो चीज़ें मिलती हैं, मुझे मिलता है एक फॉर्मिक डॉट टच्ड डॉट टाइटल, सही है, दो चीज़ें मिलती हैं, एक टच मिलता है मुझे और एक मुझे मिलता है एरर्स, सही है, एरर्स, एरर्स डॉट ईमेल। अब ये दोनों चीज़ें क्या है ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं ना, अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ लिख दी हैं कि वैल्यू और ऑन चेंज पे क्या हो, वो बात यहाँ पे दोनों लिख दी है हमने, सही है, ऑन चेंज का सी कैपिटल होता है, अच्छा इसी तरह यहाँ पे वैल्यू लिख दी मैंने, इसका भी जो ऑन चेंज है उसको मैं हटा के, ये सेट पोस्ट टेक्स्ट जो करता था मैं इसको हटा के मैं क्या कर दूंगा, ये वाला कर दूंगा मैं फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज, सही है। अच्छा अब ये देखो क्वेश्चन ये है कि ऑन चेंज इसमें भी क्या लगा हुआ है, हैंडल चेंज, और इसमें भी हैंडल चेंज लगा हुआ है, दोनों में हैंडल चेंज लगा हुआ है, तो फॉर्मिक को ये कैसे पता चलेगा कि ये टाइटल पे ऑन चेंज चला है या टेक्स्ट के ऊपर ऑन चेंज चला है, तो ये असल में उसको पता चलता है नेम से ना, ये जो नेम लिखा हुआ है ना आपने इससे पता चलता है उसको ना, तो ये नेम हमें इसके अंदर लगाना पड़ता है जब हम फॉर्मिक यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर मैं अभी वैसे ही बगैर नेम लगाया इसको करूं, अच्छा ये नीचे इसका वाला भी मैं लगा देता हूं, ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या हो चुका है, ऊपर एक अदद टाइटल आ रहा होगा और उसके बाद यहां पे एक अदद टेक्स्ट आ रहा होगा, ठीक है, टाइटल में क्या क्या लगा हुआ है, वैल्यू और ऑन चेंज, और इसके नीचे एक अलग से स्पैन में ये दो बातें प्रिंट हुई हुई हैं, ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो है वो एक टेक्स्ट एरिया है, इसके अंदर वैल्यू है और ऑन चेंज है और रिक्वायर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है, मैंने ना भी लगाऊँ तो चलेगा, ठीक है, नहीं भी लगाऊँगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, टाइप इसकी टेक्स्ट है, टाइप को मैं ऊपर कर देता हूँ जस्ट टू लुक गुड, मतलब ऊपर और नीचे वाले को एक जैसा करने के लिए, प्लेस होल्डर यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ना भी लगाऊं तो चलेगा क्योंकि अब मैंने एरर के मैसेजेस वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ऊपर भी बल्कि प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, प्लेस होल्डर
टाइटन देख लेते हैं अब स्क्रीन पे किस तरह का दिख रहा है। स्क्रीन पे ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, बहुत ही वाहियात दिख रहा है क्योंकि हमने इस पर किसी किस्म की स्टाइलिंग वगैरह नहीं की है, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा ऐसा अजीब सा दिख रहा है, लेकिन आप होपफुली इस पर स्टाइलिंग वगैरह करेंगे तो ये आपके पास काफ़ी बेहतर दिखेगा। अच्छा मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा कुछ ए बी सी, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। वो चेंज इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो ऑन चेंज है ना, इसको पता ही नहीं चल रहा कि वो चेंज चल किस पे है, और वो पता चलेगा नेम से। तो मुझे नेम इस पे लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, ये जो टाइटल लिखा हुआ है ना, इसी से नेम लगाना पड़ेगा मुझे इस पे। अच्छा नेम है या आईडी है, बहरहाल ये मैं भूल रहा हूँ, अभी वो पता चल जाएगा। नेम या आईडी में से कोई एक चीज़ है, हाँ वो नेम ही था सही। अब देखो इसमें ये एरर का मैसेज भी नीचे शो करना शुरू हो गया, मैंने ए बी सी लिखा ना जैसे ही, जब तक 5 कैरेक्टर नहीं लिख देता वो मैसेज का मैसेज आना शुरू हो जाता है मुझसे। ये देख रहे हो एरर का मैसेज है, ये एरर का मैसेज है, ये रेड कलर से शो करते हैं और थोड़ा छोटा करके शो करते हैं। अभी इसको मैंने वैसे ही किया हुआ है, देखो इधर मैंने क्लिक किया, मैंने लिखा ए तो वो चेंज हो गया मैसेज। अब ये कह रहा है एटलीस्ट 5 कैरेक्टर, मैंने कहा बी सी डी ई, जैसे ही 5वां कैरेक्टर लिखा वो गायब हो गया। अच्छा इसी तरह मैं नीचे आके क्लिक करता हूँ, पोस्ट इज़ रिक्वायर्ड, मैंने कहा ए। अच्छा ये अभी इस पर मैंने नेम नहीं डाला ना इसलिए पकड़ दिया, तो मुझे नेम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। अच्छा सिर्फ अगर नेम की जगह मैं आईडी डाल दूँ तो उससे पकड़ता है क्या ये टेक्स्ट, नहीं आईडी, हाँ नहीं आईडी से भी पकड़ देता है। तो नेम या आईडी को ये चीज़ आपको देनी पड़ेगी जिससे वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं बेहतर ये है कि मैं नेम दे देता हूँ फिलहाल, क्योंकि आईडी फ़िलहाल मैं नहीं दे रहा, आईडी मैं देना नहीं चाहता सही है। अब आईडी ना देने की कुछ दूसरी, क्योंकि आईडी से ना फिर गेट हो जाता है वो, तो बाद में ना मतलब आईडी अगर किसी भी एलिमेंट पर लिखा हुआ है तो उसको मैं गेट कर सकता हूँ आईडी के जरिए, और रिएक्ट में मैंने उसको गेट करना ही नहीं है कभी भी। रिएक्ट में एलिमेंट को कभी भी मुझे आईडी से गेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑन चेंज पे मैं स्टेट मेंटेन कर लेता हूँ, उसमें ही मिलता रहता है। जो आईडी से ही अगर मुझे गेट करना पड़े तो फिर तो एचटीएमएल वाली बात हो जाएगी ना, तो इसलिए मैं इसको आईडी देना नहीं चाह रहा हूँ फिलहाल। लेबल लेबल लगा के देख लेते हैं, लेबल से नहीं इसको पता चल रहा, नेम से ही पता चलेगा। अच्छा लेबल तो ये इस वाले की बात कर रहे हो, हाँ फिर तो आईडी देनी पड़ेगी, फिर तो आईडी देनी पड़ेगी, सही कह रहे हो। वेल अभी हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, अभी अगर हम फॉर्मिक पे तवज्जो देते हैं, वेल फॉर्मिक को नेम या आईडी में से कोई एक चीज़ चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा वैलिडेशन के मैसेजेस भी मेरे काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। मैं यहाँ पे आता हूँ और कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ तो कह रहा है प्लीज़ एंटर एटलीस्ट 10 कैरेक्टर, और मैं 10 कैरेक्टर इसको जब दे देता हूँ तो मैसेज गायब हो जाता है, ठीक है। मैं बिल्कुल इसको गायब करता हूँ तो वो कहता है भाई पोस्ट एक्सेस रिक्वायर्ड, तो मैं इस पर भी ज़रा जल्दी से 10 कैरेक्टर लिखता हूँ और इसमें भी 5 कैरेक्टर लिखता हूँ, और लिख के मैं पोस्ट का बटन दबाता हूँ। तो आप देखें जैसे ही मैंने पोस्ट का बटन प्रेस किया तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर कॉन्सोल हो गई। ये कहाँ पर कॉन्सोल होके मिला है मुझे, ये मुझे ऑन सबमिट में मिला है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये वाला वो चला है फंक्शन। मुझे कुछ पे वो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट वगैरह भी नहीं लगाना पड़ा कि भाई पेज रिफ्रेश हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब मसले मेरे हल हो गए, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, अगला काम मैंने ये करना है इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है। अब आप नोट करें यहाँ पर ना मुझे दो चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है टच्ड, ये जो टच है ना ये ट्रू फॉल्स में मिल रहा होता है, सही है। और ये जो एरर्स है एरर्स डॉट टाइटल, इसमें मुझे एरर का मैसेज मिल रहा होता है। अच्छा टच का क्या मतलब है और टच मुझे ये क्यों दे रहा है, देखो अभी मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ ना आके और ए लिखता हूँ जैसे ही, ये फ़ौरन एरर का मैसेज दे देता है। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता ना, मैं जब लिख रहा होता हूँ मुझे ऊपर भी दे दिया नीचे भी दे दिया, नीचे तो आया भी नहीं अभी तक ना, तो यूज़र को थोड़ा इंसल्टिंग फील होता है समटाइम कि यार ये क्या बकवास है यार, अभी तो मैं लिख ही रहा हूँ पूरा लिखा भी नहीं है, तो बैड यूज़र एक्सपीरियंस बनता है इससे। अच्छा अब जो क्या होता है आपका जो ये टच है ना, ये टच जब तक बंदा ना बंदे उसको डर्टी भी कहते हैं कुछ में और कुछ में टच भी कहते हैं ना, दोनों इसके लिए टर्म यूज़ होती है कि बंदा जब जैसे ही पहली दफ़ा आता है और पहली दफ़ा उसमें क्लिक करके लिखना शुरू करता है
और उससे लिख के अगले पे नहीं चला जाता, वो आपको ट्रू नहीं मिलता, या सम केसेस में वो सबमिट का बटन जब तक नहीं दबा देता जब तक आपको वो ट्रू नहीं मिलता, फॉल्स मिलता है कि भाई अभी तक टच नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा टच और डर्टी में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। डर्टी में क्या होता है कि जैसे ही आप क्लिक करके बाहर आते हो ना वैसे ही वो डर्टी हो जाता है फॉर्म आपका, लेकिन टच वो थोड़ी देर बाद होता है, अभी वो देखेंगे हम कब होता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो स्पैन है ना इसको क्या कर देते हैं, इसको स्टाइल देके हम इसका कलर जो है वो रेड करवा देते हैं। सही है, पहला काम तो हम ये कर लेते हैं, कलर इसका रेड हो गया ताकि रेड कलर से नजर आए। दूसरा काम ये करते हैं इसको हम बना देते हैं कंडीशनल। हम कहते हैं भाई साहब यहाँ पे बनेगा एक आधा टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, और टर्नरी ऑपरेटर के अंदर क्या लिखा जाएगा, कोई कंडीशन लिखी जाएगी, वो कंडीशन होगी ऑब्वियसली ये कि अगर ये टच हो गया है टाइटल, सही है, अगर टाइटल टच हो गया है तो इसको दिखाया जाए, अदरवाइज इसको ना दिखाया जाए, अदरवाइज नल। ये काम पहले आप लोग कर चुके हैं, ये कंडीशनल चीज डिस्प्ले करवाने वाला काम कर चुके हैं ना पहले हम लोग। तो अब हमारे पास देखो ये एक जावा स्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन है पूरा, ये जो सेलेक्ट हुआ है ना जावा स्क्रिप्ट यहाँ से शुरू है और यहाँ ख़त्म है और इसके बीच में टर्नरी ऑपरेटर है। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, या तो ये पूरा खुद पूरा ख़त्म हो जाता है टर्नरी ऑपरेटर, या तो अपना पहला एलिमेंट रिटर्न करता है या तो अपना दूसरा एलिमेंट रिटर्न करता है। तो हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो एक स्पैन है जो कि रेड कलर में है और उसके अंदर टाइटल लिखा हुआ है एरर का, एरर का यानी कि मैसेज लिखा हुआ है, दूसरा नल है। तो अगर ये टच हो चुका होगा, अगर यहाँ पे मुझे मिलेगा ट्रू तो ये स्पैन डिस्प्ले होगा, अदरवाइज कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, नल। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा स्क्रीन पे आप देख लेते हैं। रिफ्रेश किया मैंने इस पेज को, यहाँ पे मैंने क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ, ए लिखा कुछ भी नहीं हुआ, बी सी लिखा, ये 5 कैरेक्टर लिख दिए मैंने कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं बैक करूँगा इसको वापस 3 कैरेक्टर पे लाके मैं बाहर क्लिक करता हूँ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। जब मैं सबमिट का बटन दबाता हूँ ना अब मुझे बोलेगा वो, अब मुझे टच जो है वो क्या मिला है, ट्रू मिला है। तो टच में और डर्टी में ये भी डिफरेंस है। डर्टी क्या होता है, जैसे ही आप बाहर आते हैं ना उससे फॉरन डर्टी हो जाता है। अब मुझे नहीं पता ये फॉर्मिक आपको डर्टी देता है कि नहीं देता, देता होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, लेकिन टच शायद टच से हमारा काम हो रहा है। ठीक है, अब मैं जब लिखूंगा ना ए बी सी डी के बाद मैंने मजीद 2 कैरेक्टर लिखे तो ये मैसेज गायब हो गया, बैक स्पेस किया वापस आ गया, दोबारा लिखा गायब हो गया। अब ये टच ट्रू रहेगा जब तक मैं इस पेज को रीलोड नहीं कर देता। तो ये टच का पर्पज़ समझ आ गया क्या है। अच्छा, दूसरे वाले में भी यही सेम चीज़ कर देता हूँ मैं, मैंने कहा भाई दूसरे में भी मुझे यही सेम चीज़ चाहिए। अच्छा, अभी मैं इसको कंडीशनल ऐसे करके लगा रहा हूँ ना, इसको मैं कंडीशनल करके लगा रहा हूँ, इन्होंने इसको एक लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, काम सही सेम किया हुआ है। देखो ये क्या कह रहा है कि एरर का मैसेज कब दिखाओ, जब टच हो चुका हो एंड एंड और एरर का पासवर्ड, एरर के मैसेज में कुछ हो तब देखो। ये एरर में इसको चाहिए होता है ट्रू फॉल्स, और हेल्प टेक्स्ट जो है वो जो नीचे एक्चुअल टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है, इसमें भी इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई टच हो चुका हो एंड और उसके बाद पासवर्ड का एरर जो है वो दिखाओ। तो ये एक लाइन में सेम बात लिखी हुई है इन्होंने, कोई डिफरेंट बात नहीं है। ठीक है, जो मटेरियल यूआई के अंदर इस एरर के अंदर इसको चाहिए होता है ट्रू जब वो उसको डिस्प्ले करता है मैसेज को, और यहाँ पे चाहिए होता है टेक्स्ट जब उसको वो टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक लाइन, मतलब इस वाले में मैंने पूरा बड़ा स्टेटमेंट लिखा है ना, तो मैं सेकंड वाले में इसको एक लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ। सही है, एक लाइन में इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये टर्नरी ऑपरेटर हटा देता हूँ सब कुछ, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर के बगैर मैं इसको एक लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा भाई स्पैन है ये और इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर्मिक डॉट एरर्स डॉट टाइटल लिखा हुआ है। तो मैं इसमें ये करूँगा, मैं बोलूँगा फॉर्मिक डॉट टच्ड डॉट टाइटल और एंड एंड लगा दूंगा मैं इसके साथ। सही है, हाँ टेक्स्ट होगा, अब की बार टेक्स्ट होगा ना। सही है, ऐसे मैंने लगा दिया। ओ, ओ, क्या किया ये मैंने, हाँ। अब देखो ये स्पैन यहाँ पे मौजूद है लेकिन इसके अंदर क्या आएगा, टच्ड और एंड एंड लगा के फिर मैंने आगे टेक्स्ट लगा दिया। अब लॉजिकल ऑपरेटर अगर किसी ने अच्छे से पढ़े तो उसको ये समझ में आ जाएगा, अगर लॉजिकल ऑपरेटर नहीं पढ़े तो शायद ये समझ में नहीं आएगा।
तो क्या ये सही लिखा हुआ है? चल जाना चाहिए, जो मेरा मकसद है अचीव हो जाना चाहिए। देख लेते हैं कि अचीव हो जाता है कि नहीं हो जाता। ठीक है, 1 2 3, बाहर आके क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, पोस्ट दबाया तो शो हुआ। सही है, तो इस तरह अगर आप एक लाइन में लिखना चाहें तो भी आप देखो एरर का मैसेज खुद ही चेंज हो रहा है और 10 कैरेक्टर पे खुद ही वो ख़त्म भी हो जा रहा है। तो आप अगर इस तरह लिखना चाहें तो सिंगल लाइन में भी आप लिख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में कि स्पैन तो रहेगा स्क्रीन के ऊपर, बट उसके अंदर चूंकि कोई टेक्स्ट अगर जब तक नहीं होगा वो स्पैन दिखेगा ही नहीं, तो इसमें एक्चुअली ये हो रहा है। ठीक है, और इस वाले में ये हो रहा है कि पूरा का पूरा स्पैन ही कंडीशनल है। स्पैन में कुछ हो या ना हो, स्पैन ही पूरा कंडीशनल है। स्पैन स्क्रीन पे होगा ही नहीं, रेंडर ही नहीं होगा। ठीक है, इसमें स्पैन रेंडर हो जाएगा लेकिन क्योंकि टेक्स्ट नहीं है तो वो स्क्रीन पे कुछ दिखेगा नहीं। अच्छा, ये जगह लेगा स्क्रीन पे। ठीक है, ये स्क्रीन पे क्या लेगा? अपनी जगह ले रहा होगा क्योंकि ये रेंडर हुआ हुआ है ना, तो ये जगह ले रहा होगा। आप अगर इसको नोट करें तो यहाँ पे ना इस जगह पे ये फॉर्म है, इसमें इनपुट है ये डायरेक्ट, और इनपुट के बाद ये स्पैन है। अरे ये क्या? अच्छा, वो रेंडर हो चुका है ना अभी, तो वो तो स्क्रीन को रिफ्रेश नहीं किया था मैंने, तो वो ट्रू हुआ था। अब देखो ये इनपुट बॉक्स है, इसके बाद डायरेक्ट बी आ रहे हैं यहाँ पे, स्पैन रेंडर नहीं हुआ हुआ। अब टेक्स्ट एरिया के बाद लेकिन स्पैन यहाँ पे रेंडर हुआ पे, और स्पैन अपनी जगह ले रहा है स्क्रीन के ऊपर। स्पैन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, अगर मैं कर्सर वहाँ पे लेके इस जगह पे ना, यहाँ पे नोट करना उसका साइज लिखा हुआ आ जा रहा है कि ये साइज है उसका। सही है, तो वो जगह ले रहा है कुछ ना कुछ स्क्रीन पर। तो दोनों अप्रोच के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो दोनों आपको पता चल गया कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा, अब मैंने काम ये करना है कि यहाँ पे मुझे जो टेक्स्ट मिल जाता है ऑन सबमिट पे, मुझे जो टेक्स्ट मिलता है इसको मुझे कहाँ भेजना है? ये सेव पोस्ट वाला काम करवाना है इसमें। ठीक है जी, तो ट्राई पकड़ता हूँ मैं पूरा, यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ लाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब की बार जो है मेरे पास दो चीज़ें हैं ना, तो मैंने कहा भाई टेक्स्ट के अंदर क्या भेजोगे आप? वैल्यूज़ डॉट टेक्स्ट, राइट, और साथ में मैं टाइटल भी भेजने लगा हूँ इस बार। तो मैंने कहा कि भाई वैल्यूज़ डॉट टाइटल, दो चीज़ें मैंने भिजवा दी। और इसमें एरर इसलिए आ रहा है कि एसिंक नहीं है ये फंक्शन। ठीक है, अवेट जिस कोड में लिखा हुआ हो उस फंक्शन का एसिंक होना ज़रूरी है, तो मैंने एसिंक ऊपर लगा दिया तो ये अवेट मुझे अब एरर नहीं देगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो कोड हमारा तैयार हो गया ऑन सबमिट के ऊपर जो चलने वाला कोड है। सही है, सब कुछ ओके। अच्छा, टाइटल जो है वो नीचे डिस्प्ले नहीं हुआ हुआ हमारा, जो ये वाला है ना, इसमें इसमें टाइटल डिस्प्ले नहीं हुआ हुआ, सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले हुआ हुआ है। तो मैं काम करता हूँ ज़रा नीचे जाके ना थोड़ा सा उसको भी चेंज कर देता हूँ ताकि वो टाइटल भी दिखाने लगे। H3 के अंदर अच्छा लोडिंग को भी मैं यूज़ नहीं कर रहा था ना, लोडिंग भी इस पर भी लगा देते हैं, लोडिंग वगैरह का भी जो सिलसिला है ना वो सेट कर देते हैं। पोस्ट डॉट मैप ईच पोस्ट डॉट URL, ये क्या चक्कर है भाई, ये URL कहाँ से आ गया? ये URL तो था ही नहीं। हाँ, ओ अच्छा, ये न्यूज़ वाले कोड को ही हमने चेंज किया था ना, तो इसलिए यहाँ पे ये URL वाला आ रहा है। गॉट इट। सही है। तो बहरहाल ये जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है मेरा, ये H3 में हो रहा है, तो इसको मैं P में डिस्प्ले करवा देता हूँ पैराग्राफ में। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई आप P हो, पैराग्राफ में हो, और ऊपर मैं इसको H3 में यहाँ पे टाइटल को डिस्प्ले करवा देता हूँ। सही है, H3 में मैंने क्या करवा दिया, मैंने कहा भाई ईच पोस्ट डॉट टाइटल, दैट्स इट, क्योंकि ये डिस्प्ले नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने इसको डिस्प्ले करवा दिया।
सही है, तमाम पोस्ट को ज़रा डिलीट कर देते हैं जो पहले से लिखी हुई पोस्ट है मेरे पास, रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। मैंने कहा टाइटल फर्स्ट पोस्ट, और मैंने कहा भाई सम टेक्स्ट इन माई पोस्ट, और पोस्ट का बटन दबाया जैसे ही तो ये यहाँ पे लिखा हुआ गया। ये क्या हुआ यार, ये बड़ा लिखा हुआ गया, ये छोटा आ गया, आया सही जगह पे लेकिन अपोजिट लिखा हुआ गया, ये कैसे हुआ, ये अपोजिट क्यों लिखा हुआ है, एच थ्री छोटा और वो पैराग्राफ बड़ा, ऐसा कैसे हो गया। ओके वो मैंने इस पर स्टाइलिंग लगाई है कुछ, इसलिए ऐसा हुआ। क्लास नेम टाइटल इसको दिया हुआ है ना, तो क्लास नेम टाइटल इस पर से मैं हटा देता हूँ। सही है, वो असल में क्लास नेम उसको टाइटल दिया हुआ था, इसलिए वो उस पर वो क्लास अप्लाई हो रही थी टाइटल वाली। ठीक है जी, तो फर्स्ट पोस्ट ये हो गई मेरी, इसके नीचे कुछ टेक्स्ट आ गया, अगर मैं ज़्यादा टेक्स्ट लिखूँगा तो ज़्यादा टेक्स्ट आ जाएगा, ज़्यादा टेक्स्ट ज़रा यहाँ से कहीं से उठा लेते हैं कॉपी करके। सही है, ये मेरा ज़्यादा टेक्स्ट आ गया। मैंने कहा अनदर पोस्ट, और ये इसमें ऐसे करके पोस्ट आ गई मेरी। ठीक है, नॉट बैड। ठीक है, एडिट अभी भी काम करेगा, लेकिन एडिट सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे चलेगा, वो जो हमने लास्ट किया था ना उस वक्त टाइटल था नहीं, तो वो उस वक्त अभी ये डिस्क्रिप्शन ही था सिर्फ, तो वो आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो दोनों पे चलने लग जाएंगे। अच्छा, फॉर्मिक समझ में आ गया सब लोगों को कि कैसे चल रहा है फॉर्मिक। ठीक है, इस पर स्टाइलिंग में स्टाइलिंग आप लोग लगा लीजिएगा, और लगा के अच्छा सा एक फेसबुक वाली जो स्क्रीन आप सब लोगों ने पहले से बनाई हुई है उस पर अप्लाई कर लीजिएगा इसको। अच्छा, अगला काम एक और हम कर लेते हैं, वो हम काम ये कर लेते हैं फ़ोटो वाला, शायद फ़ोटो अपलोड करने वाला काम कर लेते हैं। सही है,